अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रियाज सरवर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर एफपीए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवेल्युएशन या प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट को बाय करें और कौन सी प्रोडक्ट को नहीं। अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट हंट करना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, प्रोडक्ट को राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना जो है वो कमाल है। ठीक है, तो इसी वीडियो की एवेल्युएशन जो है इसी बेस के ऊपर जो आपका पूरा बिजनेस है वो स्टैंड करेगा कि आप लोगों ने कैसे इसको रन करना है। इसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस रेंज के ऊपर रह के हम लोग इस बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों ने ये देखनी है कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो फिट करना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो है उसके अंदर बताया हुआ है। अगर वो सेल्स रैंक भी क्वालिफाई कर रहा है, आपका प्रॉफिट भी क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद आप देखते हैं कि कीपा भी है वो भी कंसिस्टेंट है, तो प्रोडक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई भी प्रोडक्ट मैं रैंडमली उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं उठा लेता हूँ इनमें से कोई एक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इन स्टॉक हो आउट स्टॉक हो हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसकी वैल्यूएशन करनी है, चेक करना है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है, एसिक्स जो है वो इसका ब्रांड है। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 159.16 सेंट्स है, और आप देख रहे हैं इसका जो सेल्स रैंक है वो 30 डेज, 90 डेज और 180 डेज, वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन जो 90 और 30 डेज है वो क्वालिफाई कर रहा है, और जो करंट रैंक है वो भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल जब 180 डेज का सेल्स रैंक हाई हो जाता है तो हमें इंडिकेट करता है कि इस वक्त जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है, जो इसकी वैल्यू है वो भर रही है, तो हम लोग इसको फिर कंसिडर कर लेते हैं इस सूरत हाल में। ठीक है, लेकिन वो भी उस सूरत में जब सैलरी कम हो, ज्यादा ना हो, कंपेटिटर कम हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसी का मैं सोर्स पॉइंट देखता हूँ, आप लोग देखें ये प्राइस क्या हमें मिलेगी, और फिर चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल होगी कि नहीं होगी, किन किन बेसिस के ऊपर करेंगे। राइट नो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, परचेज कर ली हुई है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस थी वो 79 थी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 79 थी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर इसको मैं 79.99 या 79 ही है इसमें अगर मैं इसको बाय करता हूँ या कर लिया है, तो आप देखें यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो $50 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका कीपा चेक करता हूँ। अगर आप देखें इसका कीपा, इसको मैं लॉगिन करता हूँ और लोवेस्ट पॉइंट भी देखता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे वहाँ पे प्रॉफिट था या नहीं था। ठीक है, हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि प्रॉफिटेबल वो प्रोडक्ट है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, लेट्स सपोज ये कीपा में आप आए, कीपा में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि बाय बॉक्स जो है इसका क्या है। ठीक है, बाय बॉक्स की ये जो पर्पल लाइन है ये आपको बाय बॉक्स की लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो करंटली अगर आप देखें 159.16 सेंट्स इसकी प्राइस है, और अगर आप देखें लास्ट वीक तो ये 172 भी थी, उसके बाद उससे लास्ट वीक या जून 16 में आप देखें तो 178 भी रही है इसकी प्राइस, और 144 जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो इस वक्त 90 डेज का मुझे कीपा शो हो रहा है उसके अंदर है। ठीक है, 144.85। तो लेट्स सपोज मैं यही प्राइस को तो कंसीडर करता हूँ, अगर लोएस्ट पॉइंट है तो इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी क्वालिफाई कर रहा है और ROI भी क्वालिफाई कर रहा है, इवन लोएस्ट प्राइस फॉर द लास्ट 90 डेज। तो नेक्स्ट आप देखें फॉर द लास्ट मंथ 157, और उससे अगर आप पीछे जाएं तो ये अप्रैल मई में ये प्रोडक्ट जो है 179.95 इसकी प्राइस रही है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो प्रोडक्ट है ये लोएस्ट के ऊपर भी प्रॉफिटेबल है, तो इसको हम बाय कर लें। ठीक है, अब कितने यूनिट बाय करने हैं ये कैसे हमें पता चलेगा, इससे पहले भी एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में और चला जाता हूँ।
अब प्रोडक्ट तो सिलेक्ट हो गई है, अब कितने यूनिट बाय करने हैं वो भी हम लोग इसकी इसको एवेलुएट करेंगे। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कह दें कि 2 यूनिट 3 यूनिट या 5, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने चेक करना होगा। वो कैसे आप लोगों ने चेक करना है, लेट्स सपोज ये मैंने इसका वेरिएशन व्यूअर ओपन किया और यहाँ पे आप देखिए स्मोकी रोज डीप मास इसकी ये वेरिएशन है और ये 8% है, ये ज़्यादा सेल नहीं हो रही लेकिन 8% रिव्यूज़ हैं। लेकिन ये आप 100% भी इसको एस्टिमेट नहीं ले सकते, लेकिन जस्ट ये हम लोग इसको जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज 6, 8% सेल हो रहा है। तो हमारे पास जो कैलकुलेटर है मैं आपको शो करता हूँ कि वो कैसे यूज़ करना है, आप लोग खुद भी इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए इसको जनरेट किया हुआ है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, जंगल स्काउट एस्टिमेटर से सेल्स चाहिए होगी, कलर परसेंटेज चाहिए होगी, साइज की परसेंटेज, नंबर ऑफ सेलर कितने हैं, फिर हमें वो बता देगा कि आप कितने इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे आप लोगों ने इसको करना है। मैं इसको मैनुअली भी आपको करके दिखाऊंगा और वैसे भी करके आपको दिखाऊंगा कि इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए, मतलब कि ये वाला जो हम लोगों ने शीट पे कैलकुलेटर बनाया हुआ है इसको यूज़ किए बगैर हम लोग कैसे इसको एवेल्युएट करते हैं, ठीक हो गया। तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए इसका जो सेल्स रैंक है 99,193 है, तो मैं लेट्स गो इसी को ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये इम्प्रूविंग की तरफ जा रहा है, तो मैं इसी को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो आपने जंगल स्काउट एस्टिमेटर में आना है, ठीक है, ये जस्ट ओपन हो ले, तो आपने सेल्स रैंक वहां पे लिख देना है 99,193। तो कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, मार्केट प्लेस आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है और कैटेगरी आपकी क्लॉथिंग शूज एंड ज्वेलरी है। आपने जस्ट एस्टिमेट लेना है कि ये हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो 240 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके कैलकुलेटर पे आना है और यहाँ पे आपने लिख देना 240 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं। कलर परसेंटेज आपने देखा यहाँ पे, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा था कि ये 8% रिव्यूज जो है हमें वो बता रहा है कि 8% इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू है। मैंने आपको पहले बताया कि 100% ये श्योर नहीं है कि इसी बेस के ऊपर करें, लेकिन जो रिव्यूज दिए हुए हमें उसके बेस के ऊपर इतना आइडिया ले सकते हैं कि प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दें, लेट्स सपोज अभी मैं उसी क्राइटेरिया पे जाता हूँ जो मुझे वेरिएशन व्यूअर शो कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज 8% है और साइज स्टैंडर्ड होगा तो हम लोग उसकी जगह पे 15 लिखेंगे, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम उसकी जगह पे फिर हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक हो गया। तो लेट्स सपोज स्टैंडर्ड साइज हमारे पास 6 है, विमेन है, तो विमेन में ये स्टैंडर्ड में आ जाता है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 15 ही लिख देना है। और नंबर ऑफ सेलर आप देखें कितने हैं, अभी 3 है और एक आप प्लस कर दें 4 हो जाएंगे, तो 4 आप हो जाएंगे, तो 0.72। तो ये हमें एक आइडिया दे देता है कि इस प्रोडक्ट का एक ही यूनिट या एक से भी कम आ रहा है इक्विटी में, ठीक है। तो ये जो 8% हमें शो कर रहा है ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। ये अब बाज़ का तो लोग बाय करते हैं तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि रिव्यूज देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, तो एटलीस्ट हमें ये बता रहा है कि आपने एक से ज़्यादा इसको बाय नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट 1 ही बाय करना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर आप देखें डेटा ऑफर टैब में चेक करते हैं कि ये सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एक ही सेल हो रहा है, अगर आप देखें लास्ट 90 डेज में और लास्ट जो 30 डेज है, ये देखिए आप ऊपर जस्ट एक ही यूनिट सेल हुआ है, तो हमें इससे क्लियर आइडिया हो जाता है कि हम इसको एक से ज़्यादा बाय नहीं करेंगे, हमारा टर्न आने में टाइम लगेगा, 1 महीने में हम एक दफ़ा इसको सेल कर सकते हैं, ये जस्ट एस्टिमेशन है। तो बहुत करीब करीब हम लोग पहुंच जाते हैं अपने बिजनेस बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टैंड करते हुए, ठीक हो गया। तो अब आपको ये क्लियरली आइडिया हो गया होगा। अब बाज़ का लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होता तो वो कैसे इसको यूज़ करेंगे, आपने जस्ट अपने लैपटॉप का कैलकुलेटर ऑन करना है और अब देखिए 240 हमारे पास उसकी सेल्स आई थी जंगल स्काउट पे, ठीक है, मल्टीप्लाई और जो साइज की थी वो 8% थी, तो आपने 0.08 कर देना, उसको मल्टीप्लाई किया आपके पास एक आंसर आया। और जो साइज है, अब जो 6 साइज है आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 0.15, 15% उसका था, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गए। नंबर ऑफ सेलर हमारे पास कितने हैं, टोटल 4, ठीक है, 3 पहले और एक हम लोग 4, डिवाइडेड बाय 4 कर रहे, ठीक है, सेम आपके पास आंसर आया 0.72। तो आप लोग खुद भी इस तरह इसको कर सकते हैं अगर आप लोग आपके पास ये शीट वाला कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। मैंने ये डिफरेंट जो कैलकुलेटर है वो डिफरेंट साइट्स के लिए बनाए हुए हैं, अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं,
तो आप लोग भी इनको खुद बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट, ये तो एक प्रोडक्ट है, मैं नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं कोई और प्रोडक्ट उठाता हूँ, कोई प्रोडक्ट और ले लेता हूँ मैं, लेट्स सपोज कोई सी प्रोडक्ट अभी मैं उठा लेता हूँ, इधर से ले लेता हूँ, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, कॉपी राइटर, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट एज इट इज़ वैसे हमें मिल जाए और हम लोग इसको बाय कर लें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड में नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं, कोई और देख लेते हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज इसके ऊपर वाली है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग, अच्छा जी, ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज हमारे पास ओपन हो गया, 53.62 सेंट्स जो है इसकी प्राइस है, साइज जो है 7.5 है और ये कॉस्ट प्राइस है ऑलमोस्ट $25 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है, चेक करते हैं कि अभी ये भी अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसकी भी एवेलुएशन करेंगे। सो ये भी अवेलेबल नहीं है, बाय कर ली हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आप देखिए इसका जो सेल्स रैंक है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, 46,523 ये लास्ट 30 डेज़ का है, और 90 डेज़ का 38,000 है, और जो 180 डेज़ का है वो 44,000 समथिंग है, ठीक है, 6 इसके ऊपर सेलर हैं। तो आपने क्या करना है, कंसीडर ये करना है, लेट्स सपोज इसकी जो एवरेज अगर आप लोग लेते हैं 44, 46 और 38 की, तो आई थिंक ये कोई 42 के करीब आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी एवरेज कंसीडर करनी है कि 42 जो है हमारे पास सेल्स रैंक है, 42,000 ही आप कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इसके ऊपर सेल्स देखते हैं कितनी आ रही है, 630 सेल आ रही है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इसी तरह इसका कीपा भी अगर आप चेक करें तो कीपा भी इसका बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो देखिए आप 60, 60, 61 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप मैं देखूँ 25 की मुझे मिल रही थी, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा था, $13 एज इट इज़ जो था वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन था, प्रॉफिट आ रहा था, आर ओ ए अच्छा था, सेल्स रैंक भी अच्छा है, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। 6 FBA सेलर हैं प्लस हम एक साथ हो जाएंगे, तो इसको भी मैं एवेलुएट करता हूँ, और कलर वेरिएशन अगर आपने देखनी है तो इधर देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग खुद भी इसको कलर बहुत ज़्यादा है तो हमें ये नहीं आइडिया कि कौन सा कलर सेल हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सपोज स्टॉपी स्पेल्ट ये लास्ट है, 2% सेल हो रहा है इसके ऊपर जो शो में कर रहा है, ठीक है, सिल्वर ब्रिज ये जस्ट 2% शो कर रहा है, तो लेट्स सपोज मैं 2% के ऊपर इसकी करता हूँ, ठीक है, नो इशू, अच्छा जी। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर पे आके हम लोग चेक करेंगे 680 आई थिंक एस्टिमेटर पे 630 आप लोगों ने इधर लिखना है एज इट इज, और कलर 2% है, और साइज जो है वो स्टैंडर्ड ही है तो 15 आएगा, और नंबर ऑफ सेलर 6 और 1 7, तो सॉरी इधर ज़्यादा है, दो दफ़ा लिखा गया है 630। तो अगर आप देखें आपके पास 0.27 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जस्ट आपको यूनिट बताएगा कि कितने आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, तो हाफ से भी कम है तो हम लोग इसको नहीं बाई करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको जस्ट रफ से एस्टिमेट है। दूसरा आप लोगों ने ये देखना है कीपा को कैसे रीड करना है, मैं आपको कीपा बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास कीपा है, ये देखें यहाँ पे बाय बॉक्स सप्रेस भी हुआ है, ठीक है, तो फिर दोबारा ये शुरू नेक्स्ट आगे हो गया हुआ है, देखें बाय बॉक्स दोबारा आ गया, कभी कभी बाय बॉक्स सप्रेस यहाँ पे आपको नजर आएगा, कुछ क्लाइंट को प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप देखें मोस्टली इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस पीछे नहीं था, ये आ रहा था, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो आपने मोस्ट कंसिस्टेंट जो प्राइस है वो कंसीडर करनी होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखें अगर मैं FBM वाले को ऑफ कर देता हूँ, जस्ट बाय बॉक्स वाली लाइन आपको शो करता हूँ, तो आप देखिए ये आपके पास बाय बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। अब न्यू FBA थर्ड पार्टी ये बेसिकली हम लोग होते हैं, ठीक है, हमारी जो प्राइस है अगर वो बाय बॉक्स वाली प्राइस से मैच करती है तो आपको ये ट्राइंगल्स जो यहाँ पे ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है ये इसको टच करेंगे, ठीक हो गया। और सेल्स रैंक जब यहाँ पे डाउन या डाउन होता है तो कंसीडर की जाती है कि वहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। दूसरा मैं ऑफर टाइम में इसको आगे चेक करता हूँ कि ऑफर टाइम में हमें क्या इसकी वैल्यू आ रही है, तो आप देखिए जस्ट 2 यूनिट सेल हो रहे हैं, ज़्यादा सेल नहीं हो रहे,
2% जो रिव्यू से हो सकता है किसी ने ये साइज बाय किया और उसको रिव्यू ना दिया हुआ, लेकिन हम लोग करीब करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाजू का देखिए इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि कौन सी सेल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। अब अगर आप सेल्स रैंक को देखें तो 630 यूनिट्स आ रहे थे, जबकि इस कलर के अंदर इस वेरिएशन के अंदर सेल नहीं हो रहे थे, कम हो रहे थे, हो रहे थे लेकिन कम हो रहे थे। तो एज इट इज हम लोगों ने क्या कर दिया है, एग्जैक्ट जो वेरिएशन उसको टारगेट किया, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपके पास ये वाला कलर अवेलेबल होता, लेट्स सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि अभी जो शू मेरे पास था वो जो फर्स्ट वन था, ठीक है, फर्स्ट वन है, इसका मैं कोई भी साइज ले लेता हूँ, उसको मैं आप लोगों के सामने एवेलुएट करता हूँ, प्राइस में 25 ही रखूंगा, फिर हम लोग एवेलुएट करके देखते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट वन जो है ग्रे ग्रे फेल्ट रेवन है, ठीक है, तो ये वाला कलर है, ये सबसे ज्यादा, या इसके बाद जो रेड फेल्ट वेपर है वो सेल हो रहा है 17%, तो मैं 17% पे ही इसको क्या करूँगा, एवेलुएट करूँगा। तो लेट्स सपोज साइज यही कंसिडर करता हूँ और इसकी प्राइस भी हाई है, मैं कीपा चेक कर लेता हूँ, कीपा क्या शो कर रहा है मुझे, अच्छा ये देखिए कीपा आपको शो कर रहा है कि रिसेंटली बाय बॉक्स जो है वो आपके पास जो प्राइस आ रही है वो 87 है, उसके बाद ये 77 पे सेल हुआ है, उसके बाद फिर ये हाई 91 पे गई है, फिर ये 65 पे आया है, तो 79 पे, तो उसके बाद 63 पे भी आया है। तो आप अगर देखें लोएस्ट प्राइस भी अगर आप कंसिडर कर लें कि लोएस्ट जो प्राइस है वो 63 ही मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज और 25 का ही मुझे ये मिल रहा होता तो मैं चेक करता हूँ कि मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, 63 और 25 का अगर ये मुझे मिल रहा होता तो लेट्स सपोज 21.57 सेंट्स जो है मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट था और 86% जो है वो इसका आरओआई था, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको वैल्यूएट कैसे करना है, ठीक हो गया। अब इसकी जो कलर परसेंटेज जो वेरिएशन व्यूअर पे शो हो रही है वो 17% है, ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, अभी उसी कैलकुलेटर पे जाना है, 630 सेम टू सेम कलर 2% था, यहाँ पे 17 आ जाएगा, और जो साइज है स्टैंडर्ड है 7.5 तो 15% ही आएगा। सेलर्स देख लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ सेलर्स साइज के ऊपर 1 है तो ये बहुत अच्छा है, जस्ट 2 सेलर अभी हमारे पास आएंगे, तो टोटल जो है आपके पास जो इक्विटी आ रही है वो 8 पेयर्स आप लोग खरीद सकते हैं 7.5 के, ठीक है। तो ये आप लोग इसी कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी होगी आप लोग एज इट इज कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम होगा, ठीक हो गया। तो इसमें अभी जो हम लोग टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों ने बेसिकली ये सीखा कि कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। एक तो पहले ये कि जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे उतर रही है उसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर तो उसका कीपा ठीक है, ठीक है, तो हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, कीपा जो है वो हिस्ट्री अच्छी शो कर रहा है। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने, कोई प्रोडक्ट जो है मैं उसको आप लोगों के सामने लेता हूँ और उसकी जस्ट हम लोग खुद जो कॉस्ट प्राइस है वो सजेस्ट करेंगे और ताकि आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स आ जाएं, ठीक है, उसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, ये प्रोडक्ट है अल्ट्रा की, मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मुझे ये जो साइज मैं कोई भी सेट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड में ही, ठीक है, लेट्स सपोज मैं 7 कर लेता हूँ और इसमें चेक करता हूँ कि मुझे जो है इसका ये मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा इसमें आप देखें मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मुझे 59 में मिल रहा है, ठीक है, जस्ट मैं प्राइस खुद ही अज्यूम कर रहा हूँ। तो सेल्स रैंक आप देखें करंट जो है 50,913 है और 30 डेज का भी क्वालिफाई कर रहा है, 1,00,000 और 50,000 में ही ये है, कम ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह बाकी भी आप देखें सब क्वालिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो सेलर भी FBA 1 ही है, ज़्यादा सेलर नहीं है। अगर ये मुझे 59.99 की मिलती हो तो आप देखें ROI बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो भी 17.25 है। अब अगर आप देखें ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन ROI भी बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, लेकिन बाय क्यों करना चाहिए, उसकी वजह क्यों हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपेटिटर्स जस्ट वन है, एक है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग कंसीडर कर लेते होते हैं, थोड़ा बहुत ROI डाउन भी हो तो कोई मसला नहीं है, कंपेटिटर पता है काम में, ठीक हो गया। तो अब मैं कीपा इसका चेक करता हूँ, आप देखिए करंटली अगर इसका कीपा है ये 164 पे पहले बता रहा है कि ये सेल हो रही थी,
और उससे पहले 198 पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हम सोचें कीपा को देखते हुए ये प्रोडक्ट जो है यहाँ इस प्राइस पे सेल हो रही थी, ठीक है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ये सेल हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब प्राइस करंटली आप देखिए डाउन हो के तो ये जो प्राइस है 99 पे आ गई है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है टिप लास्ट पे, ये 99 पे आपको शो करेगा न्यू वाली प्राइस। लेट सपोज मैं बाई बॉक्स को अभी खत्म कर देता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ, जस्ट न्यू वाली अगर आप प्राइस देखें ये वाली, ठीक है, ये लास्ट पे, ठीक है, ये कितनी शो कर रहा है 99.95, ये जो करंटली आपको प्राइस नजर आ रही है, ठीक हो गया। अब मैं मजीद इसकी डिटेल में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि आया ये प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कीपा से बिल्कुल धोखा नहीं खाना, ठीक है। इधर प्राइस जरूर है, ऑफर जरूर है, अब कंफर्म नहीं है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चेक करना है जस्ट डेटा ऑफर्स में आना है, पर चेक करना है ये, देखिए ये प्रोडक्ट लास्ट 30 डेज में एक भी यूनिट इसका सेल नहीं हुआ, ठीक है, और लास्ट 90 डेज में भी एक यूनिट सेल नहीं हुआ। अगर आप देखें यहाँ पे सबने ऑफर्स लगाई हुई हैं, कि 164 पे भी ऑफर है, एक यूनिट था कोई भी नहीं सेल हुआ, 2 यूनिट थे कोई भी नहीं सेल हुआ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब उसकी मंथली सेल हो रही होगी, 90 डेज में कुछ सेल होगी, कुछ उसकी सेल्स हिस्ट्री होगी, तो आपने फिर उसको बाय करना है, ठीक हो गया। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप कीपा देख के बहुत खुश हों, जी बहुत अच्छा कीपा आ रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो प्राइस भी बहुत मुझे अच्छी मिल रही है, तो इसको आप बाय कर लें, बाद में सेल ना हो तो आप परेशान होगा। अब देखिए ये भी तो स्टॉक रख के बैठे हुए हैं अदर सेलर्स के, इनकी भी सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। एक और एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज, चलिए इसको ले लेता हूँ मैं, इसकी प्राइस भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, खुद ब खुद ही कोई ये नाइक मैन है, तो लेट्स सपोज मैं 10.5 इसका कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और 72-74 का ये नाइकी पे मिल भी रहा है, तो मैं वही प्राइस कंसिडर कर लेता हूँ, 74.97, ठीक है। तो आप देखें इसका जो सेल्स रहेंगे करंटली थोड़ा सा हाई है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया में आ जाता है, और जो बाकी जो 90 डेज, 30 डेज, 1 डे, वो भी हमारे क्राइटेरिया में आ जाता है। सैलरी भी 4 है, और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 74.99 इसकी जो प्राइस है वो चेक करनी है। और आप देखिए यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो 27.43 सेंट्स आ रहा है, और 37% इसका जो ROI है। अब मैं इसका कीपा चेक करता हूँ, मुझे कीपा क्या बताता है, कीपा ही बेसिकली हमें बताएगा ये प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्राइसिस, क्या क्या ऑफर इस साइज के ऊपर रही है, ठीक है। करंटली आप देखें 132.82, उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंट पे अगर आप आ जाएं तो 129.02 सेंट्स जो है इसके, ये डॉलर इसकी प्राइस है, और अगर आप देखें 140 भी है, इसके बाद ये लास्ट ही वीक में 132.82 सेंट्स पे भी बिका है, मतलब कि प्राइस रही है, ऑफर रही है, जरूरी नहीं है उस पर बिका हो, लेकिन बिक भी गया होगा, हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ऑफर टाइम में पता चल जाएगा। तो 127.79 मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होगी, लोएस्ट मोस्ट कंसिस्टेंट, हाईएस्ट मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस आपने कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। अच्छी प्राइस पे सेल हो जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, अगर लो पे भी सेल हो तो आपको तब भी प्रॉफिट आएगा, तो कोशिश करना लो लो रेंट हमेशा आप लोगों ने चूज करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसमें अगर आप देखें 128, 127 लाइक दैट, तो आपने कंसिडर कर लेना है 128 मोस्ट जो कंसिस्टेंट जो इसकी लोएस्ट प्राइस है वो है 128। तो अगर मैं इसकी 128 भी कंसिडर करूँ तो ज़रा डिफरेंट डिफरेंस नहीं है, तो $26 प्रॉफिट है, ROI भी क्वालिफाई कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट को भी आप लोग फिर देख सकते हैं। मैं डेटा में आता हूँ, ऑफर टैब में आता हूँ, और चेक करता हूँ कि ये यूनिट सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक हो गया। तो आप देखें 6 यूनिट्स लास्ट 30 डेज में और 7 यूनिट्स लास्ट 90 डेज में इसके सेल हुए, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। अब देखें जो जिसने वन अभी रिसेंटली सेल किया है वो 151.79 पे सेल किया है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि ये हाई प्राइस पे सेल हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए 2 यूनिट जो है वो सेल किए हैं 129.61 पे भी, तो अभी हम लोग 128 पे भी बेचे हैं तो हमारी प्रोडक्ट ये बिक सकती है, क्योंकि ऑफर्स अभी हाई है, हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया इस प्राइस के ऊपर। तो इसमें प्राइस भी आप लोगों ने सजेस्ट करनी है ना, कौन सी प्राइस पे मैं इसको सेल करूँ, ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको 129.61 की बजाय आप लोग इसको दोबारा 151 पे ले जाएं तो हो सकता है ये सेल ना हो, थोड़ा टाइम लेगी जब तक कि कोई लो प्राइस खत्म नहीं हो जाती, लो ऑफर खत्म नहीं हो जाती, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इन चीज़ों का यहाँ पे ख्याल करना है। अगर आप इसको भी इवेलुएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं अगर इनकी एवरेज कंसिडर करता हूँ, चले मैं 87 ही ले लेता हूँ,
और कलर वेरिएशन में देख लेता हूँ कि ये कितने परसेंट है। अगर आप देखें तो ये दो हैं, सेम कलर है दोनों ऐड किए हुए, ठीक है, ब्लैक एंथ्रासाइट वूल फ्रे वाइट और ब्लैक, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने देखना है कि कुछ कलर कुछ साइजेस इसमें इस वेरिएशन में लिस्ट हुए होंगे, कुछ इसमें लिस्ट हुए होंगे, बाज़ डुप्लीकेट भी होती हैं, तो आपने देखना है मोस्ट जो अच्छी जिसके ऊपर बिक रही है ना लिस्टिंग, आपने उसके ऊपर मीटू करना है, ठीक हो गया। तो मैं भी कंसीडर करता हूँ, लेट्स सपोज ब्लैक कोई, तो आप देखिए ब्लैक 57% यहाँ पे शो कर रहा है व्यूज और दूसरा 29, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही हैं, तो अगर आप कंसीडर करें दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट अलग अलग ही कंसीडर करके आपको बता देता हूँ, 57 है, तो 87 अगर हमारे पास इसका सेल रैंक हो तो इसके ऊपर क्या सेल आएगी हम चेक अभी कर लेते हैं। 87,000 तो सेल्स रैंक ये हो तो आपके पास जो सेल आएगी, अच्छा जी ये लगता है अभी कह रहा है कि आपने कर लिया हुआ है, कोई ये कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर ये अपनी कहते हैं, नहीं तो कोई भी ईमेल ऐड कर लेते हैं, लेट्स सपोज चलिए ये कर दिया, मैं चेक करता हूँ क्योंकि इसमें भी लिमिट होती है। तो आपने जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मुझे हमें तो अब याद हो गया होगा, पता चल जाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज 87 पे इसको मैं चेक करता हूँ, 270 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एवेलुएट करता हूँ, आपने सेम एज इट इज इधर आना है 270, आप खुद भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कलर परसेंटेज 57 थी और सेल जो थी साइज जो था वो हमारे पास स्टैंडर्ड ही था 10.5, तो मेन था 10.5 स्टैंडर्ड साइज, 15 ही रहने देंगे। नंबर ऑफ सेलर आप देख रहे हैं कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सेलर जो हैं हमारे पास इस वक्त हैं 4 + 1 5 हो जाएंगे, एक हम और चार वो एफ बी ए सेलर, टोटल 5। तो आपने क्या करना है, 5 कंसिडर किए, 4 यूनिट मैक्सिमम आप बाय कर सकते हैं, इससे कम आपने, इससे ज़्यादा आपने बाय नहीं करने। कम आप चाहे 2 बाय कर लें, चाहे 1 कर लें, वो आपकी मर्जी है, चाहे 3 कर लें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी है इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, क्या किस तरह उसकी इवेलुएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर अमेजोन सेलर होगा, ठीक है, अमेजोन सेलर होगा तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अमेजोन अगर बाय बॉक्स शेयर कर रहा है तो आपने तब उसको बाय करना है, वरना उसको बाय नहीं करना। हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि उसके अंदर अमेजोन अगर इन्वॉल्व है और बाय बॉक्स शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज एक न्यू बैलेंस ही ब्रांड है, इसकी कोई भी प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अमेजोन हो और उसको देखेंगे कि अमेजोन बाय बॉक्स शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज ये फर्स्ट वन प्रोडक्ट है, सेल्स रैंक इसका बहुत अच्छा है, सेकंड वन भी है, ठीक है। तो ये और चेक कर लेते हैं जिसके अंदर थोड़े बहुत सेलर ज़्यादा हो, पता चल जाएगा, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि अमेजोन बाय बुक शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको भी बताता हूँ। कोई भी साइज सेलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज 7.5 है, और मैं देखता हूँ कि अगर इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन होगा तो अमेजोन बाय बॉक्स शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अमेजोन देखिए खुद भी इसको सेल कर रहा है, अभी बाय बॉक्स भी अमेजोन के पास है, अब चेक करना है कि अमेजोन किसी और को भी दे रहा है बाय बॉक्स के नहीं दे रहा। इसके भी आप बहुत से तरीके चेक कर सकते हैं, रिसेंटली तो अमेजोन इसको सेल कर रहा है, अगर आप देखें लास्ट 90 डेज में तो अमेजोन इतना ज़्यादा इसको सेल नहीं कर रहा, अभी वो इस वक्त इन स्टॉक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास यही सॉफ्टवेयर जो है रिवर्स सेलर है, इसमें आपने देखना है कि अमेजोन कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। लास्ट 30 डेज में अगर आप चेक करें तो अमेजोन 13% आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 60 से कम कम ही होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 30 डेज में या 90 डेज में ये 60 से कम कम ही होना चाहिए कि अमेजोन मतलब अगर हमारा क्राइटेरिया अगर 60-40 हमें दे भी देता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अमेजोन कोशिश ये हो कि कम से कम मतलब हो, ज़्यादा उसके ऊपर इन स्टॉक ना रहा, आउट ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा हो मतलब उसके ऊपर हो, ठीक है। तो ये 13% आउट ऑफ स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लास्ट अगर मतलब कि 30 डेज में आप देखें, उसके बाद अगर आप 90 डेज में देखें तो 31% आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। और कोशिश आपने ये करनी है कि इसमें ज़्यादा आपको परसेंटेज मिले। अब लास्ट 30 डेज में तो अमेजोन बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे आउट ऑफ स्टॉक है, 13% जस्ट आउट ऑफ स्टॉक है, जबकि 87% इन स्टॉक है, जबकि आप लोग देख रहे हैं 90 पे,
90 डेज में 31% है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे अमेजोन इन्वॉल्व ही नहीं था, ठीक है। तो आपने जस्ट स्किपा की तरफ आना है, इसको आपने चेक करना है और देखना है कि अमेजोन बायबॉक्स शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह आपने इधर डाटा में आना है, बायबॉक्स स्टेटिस्टिक्स में आना है और यहाँ पे आप चेक करें अमेजोन के पास कितना बायबॉक्स है फॉर द लास्ट 30 डेज। 34% अमेजोन के पास है, 66% जो है वो बायबॉक्स वो इसके पास है, ठीक है, रॉबर्ट के पास है। तो ये हमें भी पता चल गया कि अमेजोन जो है वो बायबॉक्स शेयर कर रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को चांस ले सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट में आपने बिल्कुल चांस नहीं लेना जिसके ऊपर बाय बॉक्स अमेजोन शेयर ही ना कर रहा हो, ठीक है, वो सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि आप लोगों ने कैसे, अगर अमेजोन है तो उसको कैसे आप लोगों ने एवेल्युएट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये टॉपिक मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। कुछ एक दो क्वेश्चन है उनके मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ। ये है कि कुछ मुझे मैसेज आ रही हैं जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि जी अगर हम लोग पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाय करें तो क्या ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा? तो भाई एब्सोल्युटली नॉट, ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। कोई दो चार साइटें होंगी, आप बाय जरूर कर लेंगे। पहली बात यह है कि मैं नहीं समझता कि आपका ऑर्डर फुलफिल हो, ऑर्डर डिक्लाइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस वक्त तो वो शो कर देगा जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, या कन्फर्मेशन जो है वो भी दे देगा, लेकिन आपका पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड नहीं होगा, उसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपकी जो अमाउंट है वो कुछ 3 4 दिन के अंदर रिफंड बैक हो जाएगी उसी अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आपको पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड के ऊपर या डेबिट कार्ड के ऊपर बाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑर्डर ही फुलफिल नहीं होगा। अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोग बाई नहीं कर सकेंगे, प्रॉब्लम होगी, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि हम लोग तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ये बाय कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमारी सारी डिटेल पूरी है तो उसको बाय कैसे किया जाएगा? तो भाई आप इसको बाय कर सकते हैं वीपीएस के थ्रू, ठीक है। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर तो आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, तो उसको कहें कि वो आपका वहाँ आपका जो अपना लैपटॉप है वहाँ पे वो ऑन कर ले, तो आप यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप के जरिए या टीम व्यूवर के जरिए या कोई भी रिमोटली जो ऐप है आप उसको यूज करते हुए वहाँ पे जो है आप ऑर्डर जो है फुलफिल कर सकते हैं। वो जेन्युइन ऑर्डर होगा, वो ना वीपीएस के थ्रू होगा ना वीपीएन के थ्रू होगा। अब एक बात और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वीपीएस और वीपीएन में क्या फ़र्क है। देखिए वीपीएस जो है ना वो जस्ट एक ही लोकेशन को टारगेट करता है, वो एक ही लोकेशन का होता है। वीपीएन जो होता है वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, आईपी मुख्तलिफ, बाज़ दफ़ा आप जब उसको लॉग इन करेंगे दूसरा होगा, दूसरी दफ़ा जब लॉग इन करेंगे तो वो दूसरा आईपी शो करेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो वो उनको पता चल जाता है कि ये जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हर बार नया आईपी हमारे सामने आ रहा है, तो ये ज़रूर कोई ना कोई रिमोटली ऑर्डर कर रहा है, तो उसको वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेजोन को भी अगर आप लॉगिन करते हैं, अब तो खैर इतना इशू नहीं है, पाकिस्तान में खुद अब आप लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आपने एक दफ़ा वीपीएन कनेक्ट करके उसको लॉगिन किया अमेजोन को, तो हो सकता है वो फ्लोरिडा की लोकेशन दे दे। नेक्स्ट जब आपने उसको लॉगिन कर दिया तो हो सकता है न्यूयॉर्क की लोकेशन दे दे, ठीक है, क्योंकि इसके आईपी जो है फ्लक्चुएट करेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो वीपीएस में ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। अगर आपने परचेजिंग करनी है तो कोशिश करें कि आप वीपीएस के ऊपर करें। अगर कोई दूसरी जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको बताई है कि वहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।